हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो का मुद्दा है भैया CI यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या बवाल है भैया, ये अपन आज समझने वाले हैं। एक छोटे से एग्जांपल को भी सॉल्व करेंगे ताकि अपने को पता चल सके कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, वो मैं आपको यहाँ पे आज करके दिखाऊंगा। एज यूजुअल आपको कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी यहाँ पे रहने वाली। तो दोस्तों कॉन्फिडेंस इंटरवल, जैसे कि ये इंटरवल शब्द आपको बहुत कुछ बता जाता है, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज़। तो ये आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ ही प्रोवाइड करेगा ये बताते हुए कि भैया जो एक्चुअल टारगेट वैल्यू या फिर आप अपने पॉपुलेशन पैरामीटर वैल्यू जो आप चाहते हो वो इस इंटरवल में लाए करेगी। दैट्स वॉट इट इज टेलिंग यू कॉन्फिडेंटली। और उसमें भी भैया कुछ कॉन्फिडेंस लेवल होता है 95%, 99%, जो कि बड़ा कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल है, उसके बारे में भी अपन यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो यार देखो, मेरे पास ये जो है पॉपुलेशन पूरा पड़ा हुआ है और बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और अपन ने एक पैरामीटर पकड़ लिया हाइट वाला। यहाँ पे अपन ने क्या किया, हाइट पकड़ा है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे मेरे इस पॉपुलेशन में हैं, उनकी जो मुझे मीन हाइट है वो पता करनी है कि व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स दैट आर इन द पॉपुलेशन। अब ये फाइंड करना तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, लाखों में करोड़ों में इंडिविजुअल्स होंगे, एक एक के जाके क्या इंची टेप से नापोगे हाइट आप? बड़ा मुश्किल है। तो उससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, एक सैंपल बना लो। मैंने क्या लिया, एक सैंपल ले लिया, उसमें मैंने 40 लोग पकड़ लिए। सो मेरा सैंपल साइज क्या हो गया यहाँ पे, 40 का हो गया। और फिर मैंने क्या किया, उनका एक तरीके से एक्स डैश यानी कि उनका जो मीन अपन निकालते हैं ना, सैंपल मीन अपन जिसको बोलते हैं, वो निकाला। और वो सैंपल मीन मेरा निकल के आ गया 175 सेंटीमीटर, ये आंकड़ा मेरे यहाँ पे निकल के आ गया। और जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी नो। और अभी अपने को फाइंड करना है भैया CI यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल। और उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल उन्होंने मेंशन किया है, इट इज़ अबाउट 95%। ओके, तो भैया इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहना है कि ये जो इंटरवल अभी हमने बताया है उसके अंदर ही आपकी वो जो रिस्पेक्टिव मीन ऑफ ऑल द हाइट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ दिस पॉपुलेशन लाए करेगी। और ये अपने को अभी पता करना है, कैसे करेंगे, कैसे ये CI अपन फाइंड करेंगे। बड़ा सिंपल सा फंडा है, एक फॉर्मूला जो मैं अभी आपको बताना चाहूँगा उसी को अपन यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, प्लस माइनस जेड एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एन। अब यहाँ पे एस भी लिख सकते हैं, ये जो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा वो भी लिख सकते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन की अपन बात कर रहे हैं वो आपके एंटायर पॉपुलेशन का होना चाहिए जो अपन इस फॉर्मूला में लगाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेज में क्वेश्चन में वो गिवन नहीं होता, एंटायर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन मेंशन ही नहीं होता। तो व्हाट यू कैन डू, ये जो आपका सैंपल आपने लिया हुआ है उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वही अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है कि यार जो भी आप सैंपल लोगे ऐसे केसेस में, उसमें जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या ऑब्जर्वेशंस आप कंसिडर कर रहे हो दैट शुड बी ऑलवेज मोर देन 30, 30 के ऊपर ही लो भैया, नहीं तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यही अपने को यहाँ कंसिडर करते हो, यही स्टैंडर्ड डिविएशन एस अपन ने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, एन क्या होता है भैया, ऑब्वियसली वो जो सैंपल उसमें कितने ऑब्जर्वेशन है, तो 40 है, वो भी आंकड़ा आपने को पता है। एक्स डैश यानी कि जो सैंपल मीन है वो भी अपना जो है दिया हुआ है, दैट इज 175 सेंटीमीटर, वो भी अपने को यहाँ पे पता है। एक चीज जो अपने को नहीं पता वो ये जेड वैल्यू क्या है भैया, ये जेड वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भैया जो अननोन है उससे अगर आपको परिचय बढ़ाना है, उसे नोन बनाना है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस टेबल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे भैया कॉन्फिडेंस लेवल जो है 80%, 85%, 90%, 95%, 99%, 99.5 एंड 99.9%, ये सारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे प्रतिशत के रूप में आपके सामने रख दिया है। और उसके करस्पॉन्डिंग जेड की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं वो भी आपके सामने यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, और वही सीधा सीधा उठा के अपने को उस फॉर्मूले में डालने का है। अब जैसे मैंने बात की 95% की, तो ये वैल्यू आती है 95% कॉन्फिडेंस लेवल के लिए 1.960, इस वैल्यू को अपने को एज अ जेड वैल्यू इस्तेमाल करना है उस फॉर्मूला में। बाकी सब तो नोन है,
है, अब ये भी नोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये वैल्यू मैंने उठाई और यहाँ पे इस फॉर्मूले में डाल दी, 175 पता था, 20, 40 पता था, ये भी मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, इसके ऊपर थोड़ा सा भैया कैलकुलेशन करेंगे। तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी, 175 सेंटीमीटर प्लस माइनस 6.20 सेंटीमीटर। तो भैया ये आ गया अपना रिजल्ट, लेकिन अब इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल में अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे। 175 माइनस 6.20 कॉमा 175 प्लस 6.20, सिंपल सा मामला है। अब प्लस माइनस कर लेंगे, अब प्लस माइनस करने के बाद जो अपनी वैल्यूज निकलती है, इट इज अराउंड 168.8 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस टू 181.2 सेंटीमीटर। ये आ गई भैया आपका इंटरवल डिफाइन हो गया। अब इसके बीच में आपका जो वो मीन ऑफ द हाइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन दैट पॉपुलेशन है वो आंकड़ा लाए करेगा, एंड ये अपन कह रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, तो यार लाइक कर दो ना इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।